कितना बढ़िया मेरा जो है चेस्ट ग्रो कर सकते हैं, मतलब जो मैंने पहले बताया वो तो सभी चाहते हैं, तो उनके लिए फैट लॉस का काम है। कपड़े का आपको घर पे दिखता हूँ तो मैं अभी हमसे डरते हैं। सुबह 9 बजे दोस्तों क्या हाल चलता, अभी सो के उठा हूँ दोस्तों, चलता हूँ सबसे पहले मुंह वगैरह धोता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ अच्छे से। तो पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों को मैंने अपना फुल डे रूटीन बताया था, फिर दूसरे वाले ब्लॉग में मैंने आपको कैसे एक्सरसाइज करना और जो है डाइट डिटेल्स वगैरह दी थी, और आज के ब्लॉग में बहुत लोग पसंद है मेरा चेस्ट शेप, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग भी चेस्ट शेप, मतलब कैसे एक अच्छा चेस्ट ग्रो कर सकते हैं। मतलब बहुत लोग को भाई पसंद है, मैं नहीं कहता कि मेरा बेस्ट है, आप लोग कहते हैं, तो भाई साहब आज की वीडियो में आप लोग को ऐसा ही वर्कआउट बताऊंगा। चलना है मार्केट, अभी चलता हूँ नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में ब्राउन ब्रेड लेना है और बनाना लेना है। दोस्तों चलते हैं जल्दी से और रेडी करते हैं फाइनली अपना डाइट, मतलब सुबह का डाइट। दोस्तों सुबह का नाश्ता आ गया है, मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि मैं सुबह में क्या कहते हैं चना वगैरह, बनाना वगैरह और एक ऑमलेट वगैरह लेता हूँ, तो अभी क्या क्या कहते हैं बनाना है ना। और भाई साहब जो लोग पूछ रहे थे भाई साहब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, भाई साहब अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो आप लोग बस ये जो ऑमलेट है इसे हटा दीजिए, और आपको गेनिंग करना है तो आप लोग ओट्स वगैरह या दलिया वगैरह ले सकते हैं। जिनको गेनिंग नहीं करना है वो नॉर्मल मतलब कोई फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, जिनसे उनका नॉर्मल पेट भर जाए, मतलब पहला मील लेने से पहले। तो मैं हर वीडियो में मतलब बिना कपड़े का आपको घर पे दिखता हूँ, तो मैं घर पे हमेशा ऐसे ही रहता हूँ, मतलब बिना कपड़ों के सोता भी ऐसे ही हूँ, और मतलब ऐसे कहीं बाहर जाना होता है तब मैं पहनता हूँ, ऐसे नहीं पहनता हूँ। दोस्तों जल्दी डाइट खत्म करता हूँ और करता हूँ घर के कुछ काम, उसके बाद रेडी होकर फाइनली निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। तो मार्केट से बनाना और ब्राउन ब्रेड वगैरह लेके फिर वापस पहुँच जाता हूँ मैं अपने घर पे। और बहुत लोग कहते हैं भाई सब जिम करने में मन नहीं लगता या वगैरह वगैरह, घर पे तो अकेले करने का मन ही नहीं करता, और बहुत भी लोग कहते हैं भाई आप कितना टाइम तक करते हैं, तो भाई मैं अपना खुद का बता दूं, मेरा जब तक मन नहीं, मतलब मेरा मन जब तक नहीं मान जाता मैं तब तक वर्कआउट करता हूं। वैसे करना आप लोग को एक या एक घंटा, अगर शुरुआती कर रहे हैं तो आपको 20 मिनट, 30 मिनट या 50 मिनट, और अगर आप लेट तक कर रहे हैं मतलब थोड़ा जल्दी गेन वगैरह चाह रहे हैं तो आपके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप 3-4 घंटा मत करिए। और मेरा खुद का मतलब मैं कितना भी कर लूँ 1.5 घंटे तक मैं कर लेता हूँ। और बाकी रही बात मोटिवेशन की कि भाई साहब कैसे करूँ, तो आप लोग पहले ये सोच के जाइए कि आप लोग को जिम में कुछ नया सीखना है, आप लोग यूट्यूब वगैरह देखिए और हमेशा वीडियोस वगैरह बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड देखिए, और देखेंगे तो आपको नया सीखने को मिलेगा, तो आपके अंदर और ऊर्जा आएगी, मतलब जाएंगे नया ट्राई करेंगे थोड़ा सा और फील होगा तो मज़ा आता है। मेरा तो यही है क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छे तरीके से कुछ नए स्टेप्स वगैरह। दोस्तों जल्दी से नहा धो के हो जाता हूँ रेडी और आता हूँ घर में, फिर लेता हूँ अपना फर्स्ट मील। दोस्तों ये आ गया मेरा पहला मील, तो अभी मैं इसे करूँगा, और मैं आपको बता दूँ अगर आपको जो है ये डाइट्स वगैरह के बारे में फुल वीडियो चाहिए, पूरी डिटेल्स में चाहिए, तो आप लोग मेरे मतलब पिछले वाले ब्लॉग में चले जाइए और मेरा फुल डे रूटीन जाना, मतलब क्या करता हूँ कैसे करता हूँ, तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहला जो ब्लॉग मैंने डाला था वो देख लीजिए। तो ये मील खत्म करने के बाद सो जाता हूँ मैं। दोस्तों अभी तो सो के उठा हूँ, और इसके पहले क्या कहते हैं रील्स वगैरह डालना और वीडियोस वगैरह अपलोड करना, सब कुछ अकेले शूटिंग वूटिंग करना होता है। अब टाइम हो गया मेरा सेकेंड मील का, तो जाता हूँ जल्दी से और अपना सेकेंड मील रेडी करके ले आता हूँ। दोस्तों फाइनली आ गया सेकेंड मील का टाइम, तो सेकेंड मील में आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा डाइट्स वगैरह, और जिन्होंने नहीं देखा भाई साहब आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको डाइट्स के बारे में फुल एक्सप्लेन किया है। और भाई साहब बहुत लोग इंस्टाग्राम पे और बोलते हैं कि भाई साहब मुझे फैट लॉस करना है, आपने गेनिंग के लिए बताया, तो मैंने जो भी बताया ये सिर्फ गेनिंग के लिए नहीं है, जो गेन करना चाहते हैं उन्हें मसल गेन होगा, फैट गेन नहीं होगा, और जो फैट चाहते हैं कि मेरा कम हो जाए, मतलब फैट लॉस चाहते हैं, तो उनके लिए फैट लॉस का काम करेगा। और आप लोग बेस्ट रिजल्ट आते हैं फैट लॉस में तो सबसे अच्छा होता है जो है एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली पेट आप लोगों को जो है सुबह दौड़ना है, रनिंग करना है, और क्या कहते हैं कार्डियो साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिनको बहुत जल्दी फैट लॉस करना है उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, और उसके बाद आपको ABS वर्कआउट करना है, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से सेकंड मील ख़त्म करके फिर रेडी होके और मुस्कुराते हुए निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। तो आज थोड़ा सा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था आपको देखने में मिलेगा, तो मार्केट जाके पता चलता है कि भाई साहब मेरा दुकान बंद था, तो वापस घर आता हूँ मैं क्योंकि मम्मी चली आई थी, और उस पर से अपना मील तैयार करता हूँ। दोस्तों फाइनली स्टार्ट करता हूँ अपना डाइट, तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात कि मैं हमेशा क्यों रिकमेंड करता हूँ होम वर्कआउट के लिए। तो अगर आप लोग नए नए जो है वर्कआउट करते हैं, नए नए आप लोग मतलब आपने कभी ट्राई नहीं किया और आप लोग गांव से बिलोंग नहीं करते, हम लोग गाँव वाले हैं तो हम लोग का काम वगैरह होता रहता है, तो आप लोगों को सबसे पहले ट्राई करना है घर पर, मतलब जो है आपको पोजिशन वगैरह सीखने चाहिए, आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज होना चाहिए जिम वगैरह का, वर्कआउट का, मसल ट्रेन करने का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिससे क्या होगा कि आपका जो पैसे है वो बर्बाद नहीं होंगे जिम में, बर्बाद तो वैसे भी नहीं होंगे,
मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग पहले से सीख के जाएंगे तो भी नॉर्मल आपको वेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग अगर घर पे कर लेंगे फिर वहाँ पे जाके वेट वगैरह लेंगे तो आपको पैसा नहीं नुकसान जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप लोग पुशअप्स वगैरह अच्छे से सीख लीजिए, सारे वेरिएशन सीख लीजिए, सब कुछ के नाम जान लीजिए और नॉर्मल ईंट वगैरह से ट्रेन कर लीजिए अपने आप को। उसके बाद जब आप जिम जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा होम वर्कआउट के लिए कहता हूँ। और रही बात होम वर्कआउट के लिए, आपको मैंने ऐप सजेस्ट किया था पिछले वाले ब्लॉग में, होम वर्कआउट नाम का ऐप है, आप उससे फिल कर दीजिए। वो आपने जैसा फॉर्म फिल किया होगा उसके हिसाब से आपको वर्कआउट रिकमेंड करेगा। दोस्तों जल्दी से अपना डाइट खत्म करके रेडी होके निकल जाता हूँ मार्केट के लिए, मतलब अपना कार्डियो सेक्शन के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा अंधेरा वगैरह मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अंधेरे से प्यार है। और फाइनली 20 मिनट में पहुँचता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे और वहाँ पे करता हूँ स्केटिंग। पिछले वाले में रनिंग किया था, इस बार मैंने स्केटिंग किया क्योंकि मुझे एक्सट्रीम लेग करना था। तो स्केटिंग और रनिंग में जो है लेग का एनर्जी ख़त्म हो जाता है इसलिए। तो फाइनली उसके बाद सामने से एक मंदिर छोटी सी बच्ची बुला रही थी, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा स्केटिंग, तो उसको मैंने थोड़ा सा सिखाया, मतलब ऐसे ही मज़ा लेने के लिए। उससे बात की, फिर वो भी चली गई। दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं भाई आप फास्ट फूड खाते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं यार फास्ट फूड वगैरह मतलब मेरा हमेशा पेट भरा रहता है तो नहीं खा पाता, मतलब हमेशा डाइट पे रहता हूँ, पेट ही नहीं खाली रहता तो कहाँ से खाऊंगा। और लोग भाई पूछते हैं कि आपके ब्लॉग में दोस्त वगैरह नहीं दिखते, तो भाई सब दोस्त ज़िंदगी में एक ही दो होते हैं, आपको रियलाइज़ हो जाएगा बाद में, बाकी सब सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं। हैं दोस्त तो उनसे भी मिलना जुलना होता है ऐसे रास्ते में, नॉर्मल कोई खास नहीं। क्योंकि भाई साहब जब आप किसी चीज़ में आपका पैसन हो जाएगा, आपका दिल लग जाएगा, तो आप फालतू चीज़ें से हट जाएंगे एक समय के लिए। अच्छा ख़राब मैंने भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ ख़राब आदतें थी, सब कुछ छूट गई हैं। आपको भी है, अगर आप कोई ख़राब आदत है वो भी समय के साथ छूट जाएगी। आप दिल लगाएंगे कहीं भी, आप कहीं भी का मतलब जो आपका प्रोफेशन हो, पढ़ाई में हो या जिस भी चीज़ में हो। बाकी दोस्ती यारी में मार झगड़ा भी बहुत कुछ हुआ है, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया मतलब मुझे अपने आप से मतलब होता है, अपने प्रोफेशन से मतलब होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसमें पूरा खो चुका हूँ। तो आपके क्वेश्चन ख़त्म हुए, मिलते हैं टाटा। दोस्तों फाइनली ख़त्म करके मैं निकलता हूँ, रास्ते में मिल जाती वही छोटी बच्ची, उसने हाई फाई दिया तो मैंने भी अपनी एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। और भाई सब बहुत गर्मी लग रही, तो पहुँचा घर पर पता चला मेरा लाइट वगैरह ख़राब है, तो उसे सही किया जल्दी से और जिम को थोड़ा साफ किया। तो आज की वीडियो में बात करने वाले बिगनर लेवल से कैसे आप जो है चेस्ट अपने आप को मतलब अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। मैं बता दूं मैंने कहीं पढ़ा वगैरह नहीं है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को भी वार्म अप 10 से 15 मिनट करने चाहिए। तो इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉपर पुशअप्स का मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, वाइड आर्म पुशअप, हिंदू पुशअप्स, एवरीथिंग जितने प्रोसेस के वेरिएंट होते हैं इसमें, मतलब और भी पुशअप्स के वेरिएंट है लेकिन मैं नॉर्मल बताऊंगा। जो लोग आप परफॉर्म नहीं कर पाते उसे कैसे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने कभी नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन से। इंक्लाइन का मतलब होता है यस, आप लोग को बेड या कुछ भी यूज करना है और आपको ऐसे करना है, पहले हाथ ऐसे ये शोल्डर के बराबर आना चाहिए और सांस का आपको खास ख्याल रखना है। जब आप नीचे जाएंगे सांस लेंगे, देखिए ऊपर आते हुए ये कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मुझे फील हो रहा है, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी छोड़ दूंगा तो ये लाइन हट जाएगा, देखो लाइन हट गया। और भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं, आप लोग को वी शेप में लाना है, ठीक है, ये शोल्डर के पास ऐसे। और जो लोग एकदम नहीं कर पाते उसे कैसे परफॉर्म करना है, पहले आप लोग ऐसे बैठ जाइए और ऐसे पहले परफॉर्म करिए, जो एकदम ऐसे 1 2 3 ये एकदम, जिसको नहीं आता वो मतलब जो मैंने पहले बताया वो तो सभी कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनके लिए है। दोस्तों पुशअप्स के मैं जितने भी वेरिएशन बताऊंगा उसमें 3 सेट्स रहेंगे आपके। पहला सेट जो है फेलियर तक जाएगा, दूसरा सेट फेलियर से 3-4 रैप कम, और तीसरा सेट भी 3-4 रैप उससे कम, मतलब सेकेंड वाले रैप से। दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आते हैं स्टैंडर्ड पुशअप कैसे आपको करना है। स्टैंडर्ड पुशअप का प्रॉपर फॉर्म ये होता है, शोल्डर के पास ये हाथ होता है ये, ठीक है, इसमें भी आपको वही कॉन्ट्रैक्शन वाला फील करना है जो मैंने आपको बताया था। तो इसे भी बहुत लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके लिए कैसे वो बिगनर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे पहले बैठना है, ठीक है, हाथ रखना है और इस पैर को पीछे ले जाना है ऐसे, ठीक है, एकदम कमर सीधा होना चाहिए और ये हाथ आपका यहाँ जाने चाहिए और सांस का वही ख्याल रखना है, नीचे जाते हुए लेना है और कॉन्ट्रैक्शन फील करना है। देखो देख रहे हो यहाँ पर लाइन आ रही थी, इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्शन फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद करने के बाद 5 या 6 दिन आपको धीरे धीरे ये ट्राई करना है मेन वाला, ठीक है। और आप लोग को ध्यान करना है ऐसे नहीं करना है, ये पूरा वी शेप होना चाहिए ये। तो मैंने आपको जो है स्टैंडर्ड पुशअप्स एकदम बिगनर लेवल से बता दिया कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं हम डायमंड पुशअप। डायमंड में क्या होता है, आपका हाथ डायमंड पुशअप पोज में रहता है, ये देखो ये हाथ है, इसको आपको ऐसे रखना है और ये सेम वेरिएशन
इसमें भी आपको सब पहले जैसे ही करना है, कॉन्ट्रेक्शन फील करना है, नीचे जाते हुए सांस फील करना है, ऊपर आके छोड़ देना है, ठीक है। ये भी परफॉर्म न कर पाओ तो एकदम स्टैंड अप पुशअप जैसे मैंने बताया, हाथ को ऐसे रखना है और ये ऐसे रखना है, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप का मतलब होता है कि पैर आपके ऊंचे पे रहेंगे और आप नीचे पे रहेंगे, तो जब आप स्टैंडर्ड डायमेंड एकदम अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे तब आप डिक्लाइन सीखिएगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा डिक्लाइन का भी। तो डिक्लाइन में क्या करना है, पैर आपको ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है, और हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है, और ये एकदम सीधा रहेगा ऐसे, ठीक है। और सेम 1 2 3 ये हो गया आपका डिक्लाइन। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं, एकदम ऊंचा नहीं, एकदम बराबर में। ये भी सब आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और आपके हाथ ऐसे रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कंधे के पास जो भी मैंने सांस वगैरह बताया सब कुछ ऐसे। दोस्तों हम बात करते हैं हिंदू पुशअप्स के बारे में। हिंदू पुशअप वन ऑफ द बेस्ट मेरा एक्सरसाइज है, मतलब मैं उसे वार्म अप में लेता हूँ 2 बार 25-25। उसमें मैं जंप भी करता हूँ, लेकिन आपको जंप नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है, पैर को ऐसे रखना है, ठीक है, और इसको वी से बना, ये 1 2 3 ये हो गया आपका हिंदू पुशअप। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पुशअप्स है ये। तो पुशअप्स के मैंने सारे वेरिएशन बता दिए और सिर्फ आपको बताने बताने में देख रहे हैं कितना बढ़िया मेरा जो है चेस्ट पंप हो गया। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को फॉर्म वगैरह एकदम अच्छे से सीख लेना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की। दोस्तों आप लोग को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना सारा वर्कआउट खत्म किया। मैं डेली करता हूँ फुल बॉडी और आज मेरा एक्सट्रीम लेग भी था, तो मैंने भी लेग भी अच्छे से ट्रेन किया। वो आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा कि देसी लेग कैसे आप बना सकते हैं घर पे, और लास्ट में पुलअप्स करके खत्म किया अपना। दोस्तों फाइनली मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है और आप लोग बॉडी कंडीशन देख ही सकते हैं, और मैंने आपको पुशअप वेरिएशन सारे एक्सप्लेन कर दिए बहुत अच्छे से। और मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मैंने जैसे कि ये बॉडी अपनी अचीव की है होम वर्कआउट से नेचुरल, बिना किसी डाइट के, बिना किसी डिब्बे के, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी ही चीज़ सबसे अच्छी है वगैरह वगैरह, बाद में बहुत कुछ सुनने मिलता है और भी पढ़े लिखे नॉलेजबल लोग आ जाते हैं। तो भाई साहब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप करिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े। और बाकी वर्कआउट के बाद सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेचिंग, तो आप लोग स्ट्रेचिंग कर लिया करिए ताकि आपकी बॉडी को जो है रिलैक्स मिल जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड और आप लोग को वर्मिंग से रिलेटेड मेरे शॉर्ट्स पे जो है वीडियोस मिल जाएंगे, अभी नहीं डाला है। और इस वीडियो में भाई साहब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ पूछना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड आपको मैं रिप्लाई भी दे दूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा, और कुछ भी पूछना तो बता सकते हैं आप लोग। दोस्तों अभी मैं क्या करूंगा, अभी जाऊंगा मैं अभी नहाऊंगा क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद मेरा जो घर का खाना रहेगा वो रहेगा। डाइट के लिए ऑलरेडी ब्लॉग आ चुकी है। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोज़ में। टाटा।